अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर चुंगी के पास दो बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को गुमराह कर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मामले की सूचना पर पीड़िता के भाई ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता सुरजीत कौर के भाई गुरमीत ने बताया कि बीती रात सुरजीत अपनी नातिन के साथ सामान लेने बाहर गई थी। इसी बीच दो युवकों ने मौका पाकर बहन को गुमराह कर दिया और उसे सुनसान गली में ले जाकर चार सोने के कड़े, सोने की चेन व अंगूठी उतरवा ली और वहां से फरार हो गए। ठगी की शिकार होने की जानकारी पर सुरजीत चिल्लाई, लेकिन आरोपी वहां से बहुत दूर जा चुके थे। पीड़िता रोती बिलखती घर पहुंची और इस घटना के बाद उसकी हालत खराब हो गई। गुरप्रीत ने इस मामले को लेकर रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दूध लेने गई थी और बच्ची ने सब ये मंगाए थे, सेवनी मंगाई थी। मैं सरदार की दुकान से सेवनी लेके आई, वहां से उतरी हूँ तो आगे एक लड़का खड़ा था, 23-24 साल का था, जो कह रहा था मेरे को जयपुर जाना, तो आप जयपुर का रास्ता बता दो किस साइड में। मैंने कहा भैया जयपुर इस साइड पे, इधर मत जाना गलत हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी सी दूर पे अपने एक और लड़का खड़ा था, जो कह रहा था कि ना ये क्या कह रहा। मैंने कहा ये कह रहा है जयपुर जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा इसके पास पैसे नहीं है, ये कह रहा है पैसे नहीं है, तो कह रहा है इसके पास तो पैदल जाऊंगा। मैंने कहा पैदल जाएगा ये, पता नहीं मेरे के उसकी बातों में सुनने लग गई। मैंने कहा भैया ये पता कुछ ज्यादा परेशान सा लग रहा है। कह रहा मेरे को ब्यावर से मारा किसी ने, तो मैं यहाँ आ गया हूँ सब्जी के टेम्पो से। तो मैंने कहा सब्जी के टेम्पो से यहाँ उतर गया हूँ, अब मेरे पास मैं पैदल जाऊंगा। तो वो कहने लग गया पास वाला कि इसकी तो सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, आंटी जी कैसे करें अपन मदद इसकी। तो कहता कि नहीं इसके पास पे कुछ है क्या तेरे पास। कहता हाँ मेरे पास पे कुछ भी नहीं है, एक मेरे पास में वहां से मारा ना मेरे का एक ऐसा पैकेट से उठा लाया हूँ उसका। तो क्या पैकेट उठा लाया, तो क्या पैकेट दिखा मेरे को कैसा पैकेट है। तो उसको पैकेट दिखाया उसने, उसको दिखाया तो कहता इसमें ना पैकेट में ना पैसे लग रहे, कट लग रहा था उसमें। तो कट में उसने कहा इसमें तो पैसे हैं, तो ना इससे ये तो कहीं गवार सा लग रहा। तो कहता कि नहीं इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी कैसे करें अपन, और पैसा इसके पास सारा बहुत सारा है। उसने यूँ कहा। तो भैया मैंने कभी मदद कर दो, तुम कैसे करनी है कि मैं इसका पैसा लेके निकाल के और इसकी मदद कर देता हूँ। तो उसका पैसा फिर कहता है एक मिनट मेरे को तेरा वो दे पैकेट दे दे। तो उसने पैकेट दिया, कहता उसमें से पता नहीं कैसे उसने ना पैसे निकाले नहीं है, उसमें से निकल नहीं सकते थे, पता नहीं वो कह रहे मैंने पैसे निकाल लिए इसको मैं दे देता हूँ। वो फिर ये ना पैसे भैया कहता कहते चलो कहता साइड में बात करते हैं इधर। मैं इनके पीछे पीछे ही चली गई, मेरे को पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा। जैसे वो पीछे आगे आगे चल रहे मैं भी पीछे पीछे चलने लग गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं किधर से निकलूँ कैसे निकलूँ। तो सुंगाया उन्होंने जहरीला कुछ ऐसा? मैं सुंगाया तो नहीं है मेरे को कुछ भी। गुमराह खिलाया? नहीं, गुमराह किया। हाँ गुमराह कर दिया मेरे को। किस तरह से आपके सोने के आभूषण उतरवाए? उन्होंने ये कहा तो मेरे को ये पैकेट दे दे, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, पैसा देता हूँ, तू ये मेरे को पैकेट दे दे। ये तो पैकेट नहीं दूंगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मैं बिहार का हूँ। तो उसने बिहार का नाम लिया। तो कहता फिर तो पैसे देता हूँ मैं तेरे को, फिर एक दो मिनट के लिए एक जो सा जो 27-28 साल का था ना वो यही गया। कहता मैं अपने भाई से पैसे यहाँ से कहीं से पैसे लेके आता हूँ, ऐसे लेने के लिए 5 मिनट में जाके ना। तो कहता मैं मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 5,000 मिल गया तो ये ले तू, अब मेरे को ये दे दे। कहता नहीं मेरे पास में, मैं तो मेरा तो बिहार जाना है। तो कहता अब तो क्या करेगा, कह आंटी जी जरा इसको अंगूठी दे ना, इसको मैं अभी वापस देता हूँ आपको। अंगूठी मैंने दे दी उसने, फिर नहीं माना मेरे को, अंगूठी वापस दे दी उसने, मैंने पहन ली।
फिर निमाना कहता है कि नहीं नहीं मैं पैकेट नहीं देता तेरे को, कहता चलो मैं ना इनसे ना चैन ले के देता हूँ। चैन ले ली उसने मेरे से उतरवा के, फिर वो चैन भी मेरे को वापस दे दी। तो फिर उसने चैन ले दे दी मेरे को, कहता मैं तो नहीं देता तुम्हारे को पैकेट ये ना, मेरे को तो मैं नहीं मानता। फिर कहता अच्छा आंटी जी जरा चूड़ियाँ दे दो। क्या क्या सामान लिया, क्या क्या सामान लेके गए आपका? चूड़ियाँ ले ली मेरे से जी, और गले की चैन ले ली और अंगूठी ले ली। कल शाम को ये मेरी सिस्टर हैं और इनकी छोटी दोती है, तो ये चुंगी पे गए थे सरदार की दुकान तक सामान लेने, ये चुंगी चौकी पे ब्यावर रोड, तो सामान लेने गए थे कुछ, तो वहीं से उनके पीछे दो लड़के लगे हैं साथ में, तो पीछे से क्या पता इनसे क्या बहला फुसला के क्या कि, हाँ गुमराह कर दिया इसे, और इनको साइड में गली में ले गए, पास में गली है थोड़ा आगे सुनसान टाइप है, उस गली में ले गए। फिर इनसे कहा कि तुम्हारे कड़े उतारो, इन्होंने आराम से कड़े उतार दिए, कि तुम्हारा हार उतारो, हार उतार दिए, रिंग उतारो, रिंग उतार दी, और इनसे ऐसे प्यार से बहला फुसला के वो उतरा लिए और वो भाग गए। और ये इनको कुछ वो होश नहीं है कि क्या कर रही हैं ये लोग, बाहर आके बाहर जब आई थोड़ा होश आया तो दुकान के आ गया, फिर आके आके ये रोई चिल्लाई, तो दुकान वालों ने थोड़ा वो किया, खिलाया पिलाया था, खिलाया पिलाया भी नहीं कुछ है इनको, ऐसा गुमराह बस गुमराह ही किया है, या तो क्या समझ भी नहीं आया कि आंखों उसमें मतलब वो कर दिया मेरे से, मतलब दो कड़े थे हाथों के और गले का चैन थी और एक रिंग थी अंगूठी, लगभग 2 लाख के आसपास बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज करा दिया। हाँ जी, रामगंज थाने में। ये कल शाम की घटना है, कल शाम को करीब 8:30 बजे एक वृद्ध महिला सुभाष नगर की रहने वाली है, जो अपने घर से चुंगी नाका ब्यावर रोड पे सब्जी लेने के लिए आई थी, दो लड़के उसको मिले जो बातों में उलझा के, और उसके दो चूड़ियाँ और एक सोने की चैन ये उतरवा के लेके फरार हो गए। औरत ने रिपोर्ट दी जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और संभावित स्थानों पर उनकी तलाश करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर हुलिया बताया, ये करीब 20-22 साल के बताए, दुबले पतले से हैं, 20-22 साल के लड़के। पहले एक लड़का आया, उसने बातों में उलझा के मेरे कोई परेशानी है मेरी मदद करो, फिर दूसरा लड़का आया, दोनों ने उसको बातों में उलझा के ये घटना की। ये अपने ब्यावर रोड चुंगी नाका है उस पर सर, किसी तरह के का फुटेज वगैरह आया सामने? नहीं, वहाँ पर देख लिया, सीसीटीवी फुटेज आसपास में है, नहीं लगी। करीबन कितने की मतलब सामान था? दो चूड़ियाँ, एक चेन है और एक अंगूठी, ये 3 आइटम है। क्या नाम है महिला का? जो नाम, ये नाम है इसका सुरजीत कौर, सुभाष नगर। अच्छा,